तो वेलकम दोस्तों, रिपेयरिंग वाला यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो आज का वीडियो दोस्तों एक 32 इंच का एलईडी टीवी है जो कि एलजी कंपनी का है। ये एक स्मार्ट टीवी है दोस्तों, देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर ये रहा। तो इस टीवी सेट का प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इसका मदरबोर्ड का जो मेन एसी होता है वो बर्न हो चुका है। तो इस वीडियो में हम मार्केट में जो ULM टाइप का जो यूनिवर्सल मदरबोर्ड होता है इसमें इंस्टॉल करेंगे और बिना कोई दोस्तों इसमें मॉड्यूल लगाए या बिना कोई कन्वर्टर लगाए। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना आप दोस्तों। इसमें जो पावर सप्लाई लगा है उसी पावर सप्लाई का हम यूज़ करेंगे और यूनिवर्सल टाइप का जो मदरबोर्ड होता है जो कि मार्केट में आसानी से और सस्ते से मिल जाता है दोस्तों, उसी का इंस्टॉल इसमें करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इसका IC बर्न हो चुका है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये IC बर्न हो चुका है इसका। और सेम टाइप का मदरबोर्ड दोस्तों काफ़ी महंगा मिलता है और जिस कस्टमर के टीवी है दोस्तों वो इतना खर्चा करना नहीं चाहता, इसीलिए सस्ते में हम इस टीवी को चालू करेंगे दोस्तों। तो ये सेट का पावर सप्लाई सेक्शन है, ये इसका बैकलाइट सेक्शन है दोस्तों, इसका बैकलाइट सेक्शन ओके है। और ये रहा इसका पावर आउटपुट सेक्शन। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमें 12 वोल्ट चाहिए जो कि हमें पावर सप्लाई में चेक करना पड़ेगा 12 वोल्ट हमारा कहाँ पर मिलेगा। तो मल्टीमीटर को मैं DC रेंज पर कर दिया हूँ और ब्लैक प्रॉब को दोस्तों ग्राउंड कर दिया हूँ और रेड से मैं वोल्टेज चेक करूँगा। तो आइए दोस्तों, मैं वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 12 वोल्ट की जगह पे यहाँ पे 7.8 वोल्ट मिल रहा है सारे पिनों पे, जबकि हमें दोस्तों 12 वोल्ट चाहिए। तो दोस्तों इसमें 12 वोल्ट निकालने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जो कि इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। कुछ भी मॉडिफिकेशन करने से पहले इन सारे पिनों के बारे में हमें जानना होगा दोस्तों, जिसका चार्ट आगे इसमें लिखा हुआ है इस पिन के सामने, देख सकते हैं आप लोग। ये सारे पिन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस पिन का क्या काम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लू रंग का वायर हमें नज़र आ रहा है और उसके सामने दोस्तों लिखा हुआ है ये पावर ऑन, जैसा कि आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑन। यहाँ पे पावर ऑन का सिग्नल चाहिए। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑन, ये ब्लू रंग का वायर है। और आगे दोस्तों हमें चाहिए एक बैकलाइट ऑन करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है PDIM और MS। ये यहाँ पे दोस्तों बैकलाइट ऑन का सिग्नल हमें देना पड़ेगा, तभी हमारा बैकलाइट ऑन होगा। तो ये वाला वायर है इसका जहाँ पे हमें बैकलाइट ऑन का सिग्नल देना होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है PDIM और NS। तो यहाँ पे दोस्तों PDIM का काम होता है बैकलाइट को वोल्टेज को एडजस्ट करना, यानी कम ज़्यादा करना, यानी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना। और NS का काम है दोस्तों यहाँ पर बैकलाइट ऑन का सिग्नल देना। तो आइए दोस्तों, अब मैं मॉडिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेना होगा, इसका वैल्यू 2 किलो ओम है, यानी 2K है। इसका वैल्यू मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका वैल्यू 2.1 बता रहा है, यानी 2K का ये रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। इसको दोस्तों हमें ये जो ब्लू वाला वायर है दोस्तों, इसको कट करके इस रेजिस्टेंस को हमें इससे जोड़ना होगा, यानी कनेक्ट करना होगा इस ब्लू वाले वायर से 2 किलो ओम को, रेजिस्टेंस को हमें कनेक्ट करना होगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ब्लू वाले वायर से 2K को रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया हूँ और इसको मैं आगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर जहाँ पर हमारा 12 वोल्ट तैयार होकर आता है दोस्तों, उससे कनेक्ट करना है। यानी जहाँ पे अभी 7.8 वोल्ट मिल रहा था उस वाले पॉइंट से हमें ये 2K का रेजिस्टेंस को जोड़ना है दोस्तों। तो आप बने रहे, मैं आगे आपको जोड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको सोल्डिंग कर लिया हूँ और इसको दोस्तों अब मैं मेन फिल्टर कैपेसिटर जो कि जहाँ पे हमारा 7.8 वोल्ट आ रहा है उस जगह पर मैं इसको सोल्ड कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको सोल्ड कर चुका हूँ मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पिन पे, जहाँ पे दोस्तों अभी 7.8 वोल्ट आ रहा था।
आइए दोस्तों, अब मैं वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 12-13 वोल्ट जो कि हमारा बनना चाहिए, वो अब बन रहा है कि नहीं, तो वीडियो में बने रहे आप लोग दोस्तों। तो आइए अब मैं वोल्टेज चेक करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 13 वोल्ट अभी हमारा बन चुका है। जहाँ पे दोस्तों 7.8 वोल्ट आ रहा था, वहाँ पे अब दोस्तों 13 वोल्ट बन रहा है हमारा। और उस वाले रेजिस्टेंस पे के आगे देख सकते हैं, यहाँ पे 2.8 वोल्ट बन रहा है, जो कि दोस्तों सिग्नल के लिए हमें 3.3 वोल्ट चाहिए। यहाँ पे 2.8 वोल्टेज बन चुका है, जिससे कि हमारा 13 वोल्ट तैयार हो चुका है। तो अब मैं पावर सप्लाई का काम हो गया हमारा दोस्तों, मॉडिफिकेशन हो गया पावर सप्लाई का। अब इसको मैं टाइट कर दूंगा अच्छे से सारे स्क्रू को। आइए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। जहाँ पे मैं पहले चेक किया था उसी पिन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 वोल्ट हमारा बन चुका है। जहाँ पे दोस्तों 7.8 वोल्ट पहले आ रहा था, यहाँ पे अब 13 वोल्ट हमारा बन चुका है। तो हमारा पावर सप्लाई दोस्तों अब रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं पावर सप्लाई में से निकले हुए सारे वायरों को अलग कर लिया हूँ। यहाँ पे 3 वायर अलग अलग निकल के आ गए हैं, देख सकते हैं। ये पहला वायर हमारा दोस्तों, ये बैकलाइट ऑन करने के जहाँ से सिग्नल जाएगा, ये वाला है, देख सकते हैं आप लोग। मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये बैकलाइट ऑन करने के जहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है NS, ये वाला वायर है दोस्तों। और दूसरा वायर जो कि ग्राउंड है, जो कि 3 वायर मिल के हमारा दोस्तों ग्राउंड बना गया है, ये ग्राउंड वाला वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये तीसरा वायर दोस्तों हमारा 13 वोल्ट का है, जो कि 4 वायर उसमें मिल के बना है, देख सकते हैं। इसमें 4 लूप निकला हुआ था, चारों में दोस्तों 13 वोल्ट मिल रहा था, तो मैं चारों को एक कर दिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह दोस्तों हमारा 3 कनेक्शन इसमें से पावर सप्लाई में से बाहर निकल रहा है। तो पावर सप्लाई के बाद दोस्तों हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि है हमारा LVDS केबल, देख सकते हैं। ये रहा हमारा LVDS केबल, जिसका पावर पिन दोस्तों लेफ़्ट साइड में है, देख सकते हैं आप लोग। ये जो रेड कलर का जो वायर हमें नज़र आ रहा है, ये इसका दोस्तों पावर सप्लाई वाले पिन है, जो कि पैनल में जो हमारा फ्यूज लगा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों हमारा 12 वोल्ट आता है, जो कि पैनल VCC होता है, वो भी हमारा दोस्तों LVDS हमारा सेम होना चाहिए, अन्यथा हमारा पैनल दोस्तों ख़राब हो जाता है। तो इस पुराने वाले मदरबोर्ड को मैं हटा दूंगा, इसका अब कोई काम नहीं है। और ये रहा हमारा दोस्तों न्यू मदरबोर्ड, जो कि यूनिवर्सल मदरबोर्ड यानी U11 टाइप मार्केट में बोला जाता है इसे। इसको अब मैं इंस्टॉल करूँगा। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले दोस्तों हमें इसमें क्या क्या वोल्टेज चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ अब। तो LVDS दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा हमारा, और इसके बैक साइड में दोस्तों सारे वोल्टेज लिखा हुआ होता है। ये स्पीकर वाला वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बैक साइड में सारे वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 12 वोल्ट, यहाँ पे BLON, यहाँ पे ADG, और ये रहा हमारा दोस्तों ग्राउंड। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ADG यानी कि बैकलाइट जो हमारा है, वहाँ पे ADG पे आ जाएगा दोस्तों बैकलाइट वाले। इसके बाद हमारा दोस्तों ग्राउंड, जो कि ग्राउंड हमारा ग्राउंड पे आ जाएगा, और 12 वोल्ट हमारा 12 वोल्ट की जगह पे आ जाएगा जहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों, मैं इस तीनों वायर को सोल्डिंग कर दिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। मैं ग्राउंड को ग्राउंड की जगह पे, 12 वोल्ट को 12 वोल्ट की जगह पे, और ADG को ADG के जगह पे सोल्ड कर दिया हूँ। और LVDS केबल को भी मैं मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। पैनल से और मदरबोर्ड से LVDS का कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बैकलाइट के जो सिग्नल वायर है, उसको मैं पहले BLON की जगह पे सोल्डिंग किया था, लेकिन हमारा बैकलाइट नहीं जरा। अब मैं इसको ADG के जगह पे सोल्ड कर दिया हूँ, देख सकते हैं। इससे हमारा दोस्तों बैकलाइट जल चुका है, इससे कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं TV को पावर ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं TV में पावर इन कर चुका हूँ, और हमारा TV दोस्तों अभी रेड लाइट जल चुका है इसका, यानी TV अभी स्टैंड बाय मोड पे है। तो स्टैंड बाय मोड से रिलीज़ करने के बाद देख सकते हैं हमारा बैकलाइट अभी जल चुका है, दिख रहा है दोस्तों।
बैकलाइट हमारा जल चुका है यानी टीवी हमारा ऑन हो चुका है। तो आइए इसका डिस्प्ले हम देख लेते हैं, डिस्प्ले पे हमारा ग्राफिक बना कि नहीं। तो देख रहे हैं आप लोग डिस्प्ले पे हमारा ग्राफिक बन चुका है, इस पर नो सिग्नल का भी दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है। तो आइए दोस्तों इसमें हम ए भी कोड लगा के फिर मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ कि हमारा पिक्चर कैसा बन रहा है। तो इसका पिक्चर की क्वालिटी भी दोस्तों अच्छा है, काफ़ी अच्छा इसका पिक्चर की क्वालिटी बन चुका है, देख रहे हैं आप लोग। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों मैं इस पावर सप्लाई से मैं सारा काम कर लिया हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के कोई कन्वर्टर या बैकलाइट ड्राइवर लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो आइए दोस्तों अब मैं इस मदरबोर्ड को इसके बैक कवर में फिक्स करता हूँ, देख सकते हैं आप लोग मैं इस मदरबोर्ड को इसके बैक कवर में इस तरीके से फिक्स कर लिया हूँ ताकि हमें दोस्तों इसमें ए बी कोड लगाने या फिर HDMI केबल लगाने में कोई दिक्कत ना हो, देख सकते हैं आप लोग। और सारे वायर को मैं अच्छे से कनेक्शन कर दिया हूँ। तो आइए इस सेट को मैं पूरा पैक करके आपको दिखाता हूँ। तो इस टीवी सेट को मैं पूरी तरीके से पैक कर दिया हूँ, देख सकते हैं टीवी हमारा दोस्तों अभी स्टैंड बाय मोड पे है। तो आइए इस टीवी को मैं स्टैंड बाय मोड से रिलीज़ करता हूँ और पिक्चर चला के देखते हैं। देख सकते हैं हमारा LG लिखा हुआ आ चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मदरबोर्ड का दोस्तों पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।